वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सुनीता गोयल कुपित लम्बे आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको पुदीने की फ्रेश कैंडी बनाना बताऊँगी। ये बहुत ही टेस्टी लगती है और इजी तरीके से बनके तैयार हो जाती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पुदीना लिया है। ये पुदीना मेरे गमले में ही मैंने लगा के रखा है। तो मैंने अपनी कैंडी बनाने के लिए फ्रेश पुदीने का ही इस्तेमाल किया है। तो इस तरह से ये देखिए, हमें अपने पुदीने को अपने गार्डन से तोड़ लेना है। तो इस तरह से हम बड़ी बड़ी डंडी तोड़ लेते हैं पुदीने की। और ये कैंडी जो है हमें एकदम से फ्रेशनेस देती है और इसकी तासीर तो ठंडी होती है। ये गर्मियों में खाने से बहुत ही फ़ायदेमंद होती है और ऊपर से ये घर में बनाई गई है तो ये और भी है ना हेल्दी हो जाती है। तो यहाँ मैंने इतना पुदीना कट कर लिया है। अब इस पुदीने को हम क्या करेंगे, पानी में डाल के धो लेते हैं। तो यहाँ हमने इसको बाउल में डाल दिया है। बहुत ही हमारा अच्छा, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये फ्रेश भी है हमारा पुदीना। तो इसको हम अच्छे से 2 से 3 बार पानी में धो लेंगे, क्योंकि पुदीना जो है इसमें डस्ट वगैरह चढ़ जाती है ना, तो इसलिए हमें 2 से 3 बार पुदीने को साफ़ कर लेना है। इस तरह से हम पानी में दबाते हुए अच्छे से पुदीना को साफ़ कर लेना है। वीडियो को फुल वॉच करें और मेरे तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप कैंडी बनाएं। और बिल्कुल भी ये इजी तरीके से बन जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। तो पुदीना भी हमारा धुल गया है, अब हम इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। अब जो पुदीने की पत्तियां हैं उनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से सारी पत्तियों को हमें पुदीने से तोड़ लेना है। आप लोगों का जो मेरे साथ सपोर्ट है उसके लिए सभी लोगों को, मेरी यूट्यूबर फैमिली को दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं। और मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी आप सभी का, मेरी तरफ से सभी को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है। तो रेसिपी बहुत ही ईजी तरीके से बनाते हैं, तो आप लोग जो सपोर्ट करते हैं उसके लिए मैं आपका बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। तो बातों बातों में हमारा जो मिंट है वो भी मैंने कट कर लिया है। इसकी पत्तियों की ज़रूरत है तो मैंने पत्तियाँ ही ली हैं, तो इसको मैंने निकाल लिया है पत्तियों को। अब हम इसको क्या करेंगे, मिक्सी के जार में डाल देते हैं पत्तियों को और इनको हम पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बहुत कम पानी डालना है और कम ही पानी में इसको हमें पीस लेना है बारीक सा। तो ये देखिए कितनी इजी तरीके से और कितनी अच्छी तरीके से ये पीस के तैयार हो गया है। हमने अपनी कैंडी बनाने के लिए किसी भी तरह से ना तो एसेंस का इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है। कैंडी हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ईजी तरीके से बन गई है। बाज़ार से क्यों लाना जब जो काम हम घर में कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, एक छन्नी ले लेते हैं, बाउल के ऊपर रखेंगे। अब जो हमने मिंट का जो पेस्ट बनाया है उसको इसमें डाल देते हैं और इसको हम छान लेंगे इस तरह से चम्मच से दबाते हुए। सारा जो मोटी मोटी जो पत्तियां हैं हमारे पुदीने में जो नहीं पिस पाई हैं उनको हमने निकाल देना है छान के। अगर आपको लगे कि ये थोड़ा सा जूस कम है तो आप थोड़ा सा पानी डाल के इसको मिक्सी के जार में और दोबारा से पीस सकते हैं। तो ये देखिए थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है जार में और उसको मैंने फिर से छान लिया है। तो कैंडी बनाने के लिए हमारा जूस जो है वो रेडी हो चुका है। बहुत ही टेस्टी कैंडी बनेगी हमारी और फ्रेश तो होती है। पुदीना तो वैसे भी फ़ायदेमंद होता है, गर्मियों का सीज़न शुरू हो चुका है। बच्चों को कैंडी तो खिलानी है पर थोड़ा हेल्दी तरीके से बना के खिलाएंगे। तो ये जूस मैंने निकाल के तैयार कर लिया है, देख रहे हैं आप, एकदम से इसमें नेचुरल कलर है। मैंने इसमें किसी भी तरह का कोई फूड कलर का इस्तेमाल नहीं किया है। तो अब हमें क्या करना है, इस तरह से हमें छल्ले ले लेने हैं, क्योंकि इस तरह से हम बोतल लेंगे और बोतल के नीचे जो आप देख रहे हैं कोई भी कफ सिरप या फिर बच्चों की दवाई वगैरह की जो सिरप शीशियाँ आती हैं जिसमें मेटल का ढक्कन होता है उसके नीचे जो छल्ला होता है उसको हमें इस तरह से कैंची से कट करना है।
ये सील वाला छल्ला होता है और ये एल्युमिनियम का होता है, तो इजी तरीके से ये कट भी जाता है। इस तरह से मैंने इसको कैंची से थोड़ा सा दबाया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चाकू की सहायता से कट कर देते हैं। जैसे मैं बता रही हूँ ठीक उसी तरह से ये इसका छल्ला जो है वो निकल आएगा। ये देखिए ये कट हो चुका है। अब हम इसको ऊपर से निकालेंगे इस तरह से दबाते हुए। बहुत ही इजी तरीका है ये हमारी कैंडी बनाने का। अगर आपके पास कोई भी सांचा वगैरह नहीं है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि परफेक्ट तरीके से हम कैसे बनाएंगे। एकदम से गोल होनी चाहिए, पतली भी होनी चाहिए, एक परफेक्ट शेप होना चाहिए, वो हम इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमने ये जो छल्ला है वो भी बना के तैयार कर लिया है। तो इस तरह से हमने अपने जो हमें कैंडी बनाना है उनके लिए हमने इस तरह से छल्ले तैयार कर लिए हैं। हमारे पास कोई सांचा नहीं है तो उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये है ना हमारा जुगाड़। तो ये देखिए ये रेडी हो चुके हैं। अब हम एक प्लेट लेंगे, इसमें थोड़ी सी ऑयलिंग कर लेंगे। ये सब चीज़ें हमें पहले से रेडी रखना है क्योंकि जब हम कैंडी बनाएंगे और सेट करने के लिए छोड़ेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम ये ऑयलिंग करें, छल्ले बनाएं, क्योंकि वो ये प्रोसेस जो है कैंडी बनाने वाला, वो जब लास्ट में हम कैंडी बनाना स्टार्ट करेंगे तो वो थोड़ा जल्दी करना है हमें। तो इसलिए ये सब चीज़ें हमें पहले ही रेडी करके रख लेना है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है और इस तरह से हमें प्लेट में रख लेना है पहले से ही। और अब हम चलते हैं कैंडी बनाने की शुरुआत करते हैं। यहाँ मैंने 3 से 4 चम्मच मैंने चीनी ली है और ये सॉरी जूस लिया है और ये 3 से 4 चम्मच चीनी ले ली है और ये मिंट का जूस ले लिया है और ये फूड कलर है। तो अगर आपको लगे कि फूड कलर की ज़रूरत है तो आप ले सकते हैं फूड कलर को। ईजिली ये 5 रुपए की डिब्बी मिलती है या फिर आप लिक्विड फूड कलर ले सकते हैं। मैंने तो फूड कलर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसमें हमने डाल देना है चीनी पैन में। मैंने तो ये गलती की थी कि मैंने ये जो पैन लिया है ये थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है। आप थोड़ा सा बड़ा पैन लें क्योंकि जब ये चीनी मेल्ट होने के बाद बॉयल होगी ना तो ये बार बार ऊपर आएगी निकल के। चीनी को इस तरह से हम अपने जूस में मिक्स कर लेते हैं। मैंने तो ये सोचा था कि ये छोटी सी है और थोड़ी सी मैं कैंडी बना रही हूँ तो ये काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने थोड़ा सा बड़ा बर्तन लेना है, इस बात का ध्यान रखें। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी जो कि आप खुद ही देख पाएंगे कि मुझे किस तरह की प्रॉब्लम हुई थी। अब इसको मेल्ट करते हुए हम अपनी कैंडी बनाना स्टार्ट करेंगे। चम्मच इसको घोल लेते हैं चम्मच से, उसके बाद मैं देखती हूँ क्या करना है। ये बॉयल होने लगा है, ये देखिए क्या है कि जैसे ये बॉयल हो रहा है तो ये ऊपर आ जाता है। तो ये मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, बार बार मुझे गैस से थोड़ा पैन को ऊपर उठाना पड़ रहा था। आप थोड़ा सा बड़ा पैन लें ताकि ये ऊपर उठाने की ज़रूरत ना पड़े। आप देख पा रहे हैं मैं बार बार इसको ऊपर उठा रही हूँ, नीचे लेके जा रही हूँ और ये बार बार से ऊपर आ जा रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, बड़े पैन का इस्तेमाल करना है कैंडी बनाने के लिए। अभी ये परफेक्ट तरीके से नहीं बना है। अब मुझे फिर से गैस ऑन करनी है और फिर से मुझे लो फ्लेम रखना है और उसके बाद हम इसको इसी तरह से चलाते हुए ये अब हम इसको चेक करेंगे कि ये जमने की कंसिस्टेंसी में है या नहीं। गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है पर पैन हमारा इतना गर्म है कि ये अभी भी बॉयल हो रहा है। एक कटोरी में हम पानी लेंगे और इसमें एक ड्रॉप डालेंगे हम अपने सिरप की और इसको इकट्ठा करेंगे। तो ये अभी इकट्ठा हो रहा है पर थोड़ा सा सॉफ्ट है ये। आप देख पा रहे हैं इसकी गोली नहीं बन रही है तो अभी हमें इसको थोड़ा सा और कुक करना है 2 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, ये जम रहा है पर अब उतने परफेक्ट तरीके से नहीं। फिर से हम एक ड्रॉप डाल के देखेंगे और ये देखिए ये परफेक्ट है और ये बिल्कुल इकट्ठा हो गया है और एकदम से इसका लड्डू जैसा बनके तैयार हो गया है। और ये ठंडा होगा तो बिल्कुल कैंडी की शेप में आ जाएगा। अब हमें अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए जल्दी से प्लेट की तरफ चलते हैं और अपनी कैंडी को सेट कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करना है और इसमें एक एक ड्रॉप डालते हैं।
तो ये देखिए हमने छल्लों के अंदर एक एक ड्रॉप डाल दी है और ये देखिए छल्लों को निकाल दिया है, क्योंकि हमारे पास छल्ले चार ही हैं, तो इसलिए अब ये जैसे जैसे हमारा जो बैटर है ठंडा होता जाएगा तो उसके बाद क्या होगा कि हम जितनी ड्रॉप डालेंगे उतना ही फैलेगा और उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं फैलेगा। बहुत ही ईजी तरीके से एकदम परफेक्ट मेजरमेंट और परफेक्ट साइज के साथ हमारी कैंडी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए अब थोड़ी प्लेट मेरी छोटी पड़ गई है और बैटर जो हमारी कैंडी का है वो थोड़ा ज़्यादा है सिरप, तो मैंने दूसरी प्लेट ले ली है जिसमें मैंने ऑयलिंग करके रखी थी। अब ये देखिए काफ़ी हद तक ये जम गया है क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी करना था। तो सारी कैंडी हमने सेट कर ली है प्लेट में, अब इनका ठंडे होने का इंतज़ार करेंगे, उसके बाद हम इनको निकालेंगे। तो ये देखिए ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसको देख लेते हैं। इस तरह से आप देख पा रहे हैं कितनी ईजी तरीके से ये निकल आ रहा है। आप चाहे तो हल्के हाथों से दबाते हुए बीच में से हम इसको निकाल लेंगे। कितनी अच्छी और कितनी प्यारा सा कलर आया है कैंडी में, ना तो मैंने इसमें एसेंस इस्तेमाल किया है और ना ही मैंने फूड कलर इस्तेमाल किया है, और कितनी प्यारी हमारी कैंडी बन के तैयार हो गई है। तो सारी कैंडियों को हम इसमें से निकाल लेते हैं। आप देख पा रहे हैं मैंने ज़रा सा हाथ टच किया और कैंडी हमारी प्लेट से अलग है। बहुत ही ईजी तरीके से अगर बच्चों को कैंडी खाने का मन है तो बच्चे क्या बड़े क्या सभी लोगों को खिलाइए। और इस तरह के से जो हेल्दी तरीका मैंने बताया है आपको कैंडी बनाने का, तो आप इस तरह से कैंडी को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारी ढेर सारी कैंडी बनके तैयार हो गई हैं। मैंने आपको वीडियो में बताने के लिए थोड़ा ही बनाया था, तो ट्राई ज़रूर करिए। मेरे तरीके से रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।